workshop, we'll uncover the secrets of these remarkable ecosystems. We'll learn about the diverse creatures that call them home and how we can contribute to keeping these vibrant ecosystems thriving. With that, let's begin with the workshop. Hello everyone, a very happy morning to you all. So what's the date today? Does anyone of you know what wetlands are? Can someone define a wetland to me? Anyone? Wetlands are the areas where water covers the soil or is present either at or near the surface of the soil all year or for varying seasons, including during growing season. Yes, ma'am. So is there any way that we can develop while keeping the forest and other wetlands and stuff safe? Yes, that is why we are discussing all this. There we have to find a middle way. So jaise maine bataya Colombo ko Ramsar Convention mein a city, first international city of sustainable wetlands. Usne bola bahut sare wetlands hai Colombo. They are clean, they are healthy, they are sustaining a lot of biodiversity. तो इकोसिस्टम्स वहाँ पे मेंटेन है, मैनेज्ड है. ऐसे बहुत सारे वेटलैंड्स दिल्ली के अंदर भी हैं. तो अगर दो महीने भी पानी है विजिबल और उसके बाद पानी विजिबल नहीं है लैंड के ऊपर, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो वेटलैंड की तरह. गिवन दैट द लैंड इज सैचुरेटेड विद वाटर अप टू द ब्रिम वो है दिख नहीं रहा. सबसे ज़्यादा थ्रेट है वेटलैंड्स को, क्योंकि बहुत जल्दी हम कन्फ्यूज करते हैं वेटलैंड को वेस्ट लैंड के साथ. बहुत हर शहर में ऐसा हुआ है कि जहाँ कुछ पानी का तालाब देखा, वी इमिडिएटली थिंक दैट दिस वाटर बॉडी इज गोइंग टू कॉज सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम. मस्कीटोज आर गोइंग टू ब्रीड हियर, मस्कीटोज आर गोइंग टू फ्लाई टू अवर होम एंड दे आर गोइंग टू कॉज डिसीजेज लाइक डेंगू, लाइक मलेरिया, लाइक फलेरिया, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेज. बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. व्हाट इज योर रीसेंट मेमोरी ऑफ विजिटिंग अ वाटर बॉडी? एनीवे, last year I also went to Pangong Lake. It was surrounded with barren mountains. It didn't had sand with it, but gravels. And the main thing was it reflected in two colors, green and blue. That's a very good observation. Yes. So ये wetlands क्या करते हैं? Sponge की तरह काम करते हैं. They work like sponges. They absorb water. सेडिमेंट्स फिल्टर हो जाते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बन रहा है, क्लीनर वाटर आउटफ्लो. क्योंकि सेडिमेंट वहाँ पे सेटल डाउन हो गया तो पानी जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा? क्लीन होगा. रामसर में एक कन्वेंशन ट्रीटी साइन की और वो आज ही के दिन होती है, इसीलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं. 2nd February, साइनिंग ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्यों बोला? कि सुल्तानपुर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है क्या? है. यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ कहाँ से आती हैं? रशिया से, कजाकिस्तान से, मंगोलिया से, साउथ अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट एशिया से, चाइना से, अलग अलग जगह से आते हैं. वेटलैंड्स सिर्फ पानी नहीं दे रहे, सिर्फ पानी को फिल्टर नहीं कर रहे. वेटलैंड्स आर मेजर कार्बन सिंक्स. वहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है बहुत सारा. तो हम ये जो पेड़ लगा रहे हैं इतने सारे, उसकी जगह अगर हम एक ऑलरेडी प्रेजेंट वेटलैंड को कंजर्व कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो वो कार्बन को भी सिक्वेस्टर करते हैं. बहुत तरह के हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं वेटलैंड्स.